अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज है हमारी पहली रमज़ान, और पहली रमज़ान का पहला पहला सहरी सादा ही था। तो और हमारे पहले रमज़ान कैसे गया है? पूरा एकदम बेहतरीन गया है। और अभी फ़िलहाल इफ्तारी की टाइम हो रहा है, तो मैंने पूरी दिन कोई वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि इफ्तारी नहीं था ना। इफ्तारी बनाना दिखाना ये सब बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सहरी के लिए, फ़िलहाल आज के सहरी के लिए मैंने बना लिया है ये मटन और आलू की सब्ज़ी मैंने बना लिया है, और इससे ही हो जाएगा। और हम आखिर में दूध से खाना खाते हैं, और इसमें मैंने दूध गर्म करके रखा है। और कल की बची हुई थोड़ी सी चिकन है, तो ये आयु खा लेगी माशाल्लाह से। और ये देखिए, कल की इफ्तारी के लिए अगर खुदा ने सलामत रखा, तो कल की इफ्तारी के लिए ये मैंने काला चना जो है वो भिगो लिया। कल देंगे, इसकी रेसिपी भी दे दूँगी मैं आपको कैसे हम बनाते हैं। और ये तो चना नहीं होते, किसी को चना ना हो के भी इफ्तारी कर लेते कोई कोई, पर मेरा तो इफ्तारी होता ही नहीं है चने के बगैर, तो मैंने भिगो के रख दिया है अभी। फ़िलहाल हम जाने वाले हैं, ना मेरे नानी सास का जो इंतकाल हो गया है, तो उनके लिए ख़त्म कराया था, कुरान ख़त्म और तस्बीह की ख़त्म, जो जो भी था सब कुछ हो गया है। तो इसलिए आज की इफ्तारी पूरी फैमिली और जिसने ख़त्म कर किया है, सब लोगों का इफ्तारी नानी के घर में है। तो इसलिए मैं जाने वाली हूँ नानी के घर में इफ्तारी करने के लिए। फ़िलहाल मैं रुक रही हूँ, अभी सब लोग तो आ गया है उनके घर, पर मैं नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि मेरी आयु तो अभी सोई हुई है इसलिए मैं नहीं जा पा रही हूँ। तो ये उठेगी, और नहीं उठेगी तो इसको खींच के ले जाऊँगी, और उठेगी तब तो अच्छे से चले जाऊँगी। बस 5:30 बजे इफ्तारी का वक्त है, और अभी फ़िलहाल टाइम हुआ है कितना देखते हैं। ये देखिए, 5:03 ही हुआ है। तो मैं धीरे धीरे आयु को उठाने की कोशिश करती हूँ, फिर मैं दिखाऊँगी आप लोगों को वहाँ की इफ्तारी इफ्तार की झलक। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ, और मेरे लिए ढेर सारा दुआ कीजिए, और आप लोग भी स्वस्थ रहो, खुश रहो, हैप्पी रहो, बाकी आप लोग का भी रोज़ा अच्छे से जाए और हमारा भी। तो आइए चलिए हम लोग उठाने की कोशिश करते हैं आयु को धीरे धीरे। आयु 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 बेबी आयु बेबी आयु 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 बोला 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 मैं जाओ चलो। क्या हुआ, बड़ी अम्मा के घर नहीं जाना है? गला मेरा सूख गया है, रोजा में हम कुछ नहीं पी सकते, कुछ नहीं खा सकते ना, तो इसलिए गला सूख गया है। लास्ट एंड जब होते हैं ना, इफ्तारी का टाइम आ जाता है नज़दीक, तो ही हमेशा हर किसी को गला सूखता है, नहीं तो जोर की भूख लगता है, और कुछ ना कुछ तो होता है। पर मुझे भूख तो एकदम ही नहीं लगा है, बड़े ही मज़े से आज का रोजा गया है। अभी फ़िलहाल सिर्फ खांसी आ रही है, सूख गया है गला। तो ये देखिए आयु को, मैं आयु को जगा के फिर वहाँ जाके आप लोगों को दिखाती हूँ हमारी इफ्तारी कैसी रही आज की, क्या क्या बना है, क्या क्या इफ्तारी में है, तो ये सब दिखाऊंगी आप लोगों को। ये देखिए हमारी आयु उठ गई है, और हिजाब पहन के रेडी भी हो गई है, हम जा रहे हैं अभी इफ्तार के लिए। तो आइए चलिए आप लोग भी हमारे साथ इफ्तार कीजिएगा। तो आइए चलिए आप लोग भी हमारे साथ इफ्तार कीजिएगा। हम सब इफ्तार करते हैं और वीडियो को ख़त्म करते हैं। खुदा हाफिज़।